सो जैसे ही नीट ने आंसर की लॉन्च कर दी है, आई थिंक धीरे धीरे करके सब स्टेट्स जागेंगे। सो सबसे पहले हमारा नॉर्थ का पंजाब जाग गया है, और पंजाब ने अपना एक नोटिस जारी किया है। देखिए, पंजाब की काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट होती है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, जो काउंसलिंग करती है। जो लोग इस चैनल को या मुझे पहली बार सुन रहे हैं, और ये आया है इनके होम पेज पे। होम पेज तो खैर नहीं था, ये लिंक है। इस लिंक को अगर खोलेंगे तो देखते हैं क्या नोटिस निकाला है इन्होंने। 14 पेज का नोटिस है, और मैंने लास्ट 2 ईयर के भी खोल दिए हैं, जो आपको हेल्प होगी इस चीज को समझने में। ठीक है, पहला, बहुत जल्दी जल्दी चीज चलेंगे, आपका समय खराब नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर दिया है ऑल एडमिशन, सब जानते हैं कि मेरिट बेसिस पे होता है। पंजाब में जैसे कि हम जानते हैं एनआरआई सीटें भी होती हैं, राइट। नंबर 7-8 वही है कि आप जानते हैं कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको जनरल सीट मिलती है। तो पहले 2 पेज में वही लिखा है, कुछ बहुत खास नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, द कैंडिडेट शुड बी अ बोना फाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। अब देखिए, द रेजिडेंट स्टेट ऑफ पंजाब शैल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ 1996, राइट। इन एडिशन अ कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन नंबर डेटेड इज इंक्लोज हियर विद। अब वो देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है, इसको बड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपको पता है पंजाब एक क्लोज स्टेट है, खासकर प्राइवेट कॉलेज सीट में बहुत फायदा होता है। तो पंजाब डोमिसाइल के अलावा ये जो लोग हैं ये भी एलिजिबल होते हैं, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल जो पंजाब में पोस्टेड है। NRI तो खैर हो ही गया है, और फिर ये एक और नोटिस है। ठीक है जी, एडमिशन कमेटी, ये कुछ बेकार की कहानी है, इसको समय नहीं खराब करेंगे। इसमें सबसे पहले इस पे आ जाइए फीस का, और ये नोटिस उन्होंने दोबारा आपको बताया कि जो सरकारी कॉलेज हैं पंजाब के, उनकी जो 4 सरकारी कॉलेज है ना, GMC अमृतसर, फरीदकोट, पटियाला और मोहाली वाला, उसकी फीस 1,66,000, 1,82,000 पर ईयर। तो ये प्राइवेट, और ये फिर मेडिकल डेंटल कॉलेज की फीस हो गई, हॉस्टल फीस अलग से बताया गया है, इंक्लूडिंग रूम रेंट, एंट्री चार्ज यूटेंसिल्स 19,200 रुपये, तो एज पर नोटिफिकेशन विथ 5% इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइवेट कॉलेज की, तो 3,86,000। हम जैसे कि जानते हैं कि दो तरह की सीट होती हैं प्राइवेट में भी पंजाब में, एक गवर्नमेंट कोटा और एक मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा भी चूंकि लास्ट ईयर 9.5 लाख रुपए था, 9,92,000 पर ईयर, और फिर इंक्रीमेंट होता है हर साल थोड़ा थोड़ा सा, अबाउट 5%। तो फिर भी ये जो सीटें होती हैं काफ़ी रीजनेबल फीस पड़ती है, जो कि एक इंडिया का स्टैंडर्ड्स है। तो इसलिए पंजाब के बच्चे इन सीट्स को ले लेते हैं, कुछ छोड़ता नहीं है। हमेशा जब भी नोटिस आते हैं पूछते हैं, द फीस ऑफ गवर्नमेंट कोटा इन आदेश शेल बी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन, जो ये केस चल रहा है। जस्ट टू टेल यू, जब भी ये निकलता है साथ में हमेशा एक आदेश का निकलता है, और आदेश एक्चुअली ये कहता है कि हमें वो 3.5 लाख वाली फीस नहीं देनी है। तो आदेश हमेशा अपनी फीस स्ट्रक्चर बताता है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अभी लास्ट ईयर के मैंने आपके लिए आदेश का खोल दिया है, क्योंकि आदेश हर साल ये रोना चलता है, पिछले कई सालों चल रहा है। आदेश ने बेसिकली केस डाल रखा है कि मैं इतने सस्ते में नहीं पढ़ा सकता, तो हमें अपनी पूरी फीस चाहिए। इनके यहाँ भी वही जो रूल है यहाँ पर कि 15% सीटें NRI के लिए हैं, जो कि पंजाब के हर प्राइवेट कॉलेज में है। ठीक है, और आदेश अपनी जो, देखिए आपको फॉर्म अलग से नहीं भरना है, लेकिन आदेश ये सीधा यही कहता है कि जो मेरी फीस है वो ये है। तो अगर आप इसको पंजाब की फीस से कंपेयर करेंगे तो वैसे भी थोड़ी ज्यादा है, राइट। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सेम फीस है, हमारे यहाँ कोई अलग से ये कम फीस नहीं है। तो आदेश इस काइंड ऑफ इज टेकिंग योर फेल फीस। तो ये आपको आदेश की फीस मिल गई, और इसी तरह आदेश बठिंडा का NRI की फीस भी अलग होती है, और वो कहते हैं कि हम 1,25,000 डॉलर लेंगे पूरी फीस। ठीक है, और जो NRI की एलिजिबिलिटी है, अगर आपको NRI की सीट लेनी है, वो कॉमन ही है कि आप, फर्स्ट रूल है कि आप NRI हो पंजाब से, और दूसरा ये है कि आप नॉन पंजाब के NRI हो, ये हमारे उस में भी लिखा हुआ है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो NRI एलिजिबिलिटी मैं देख रहा हूं कि अगर इन्होंने अलग से उसको मेंशन किया है, क्योंकि क्योंकि एडमिशन तो कॉमन ही होता है। तो आई थिंक जो
एनआरआई की एलिजिबिलिटी है वो जो कॉमन एलिजिबिलिटी है उसी में से ड्राइव होती है। ठीक, तो ये था जो आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको हाथ किया दिखा दिया। कमिंग बैक टू नोटिस, ठीक है, वो बताते हैं आपको कि गवर्नमेंट में जो एनआरआई कोटा की सीट है उसकी फीस है 1,10,000 डॉलर, तो मतलब ये आज की रेट के हिसाब से ये 90 लाख रुपए हो जाती है, और ये सब लास्ट ईयर की फीस है, राइट। तो इसमें उन्होंने इनके हिसाब से सब फीस देखी, कॉमन है, चाहे वो एनआरआई की सीटें सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, क्योंकि तो अभी नीचे आपको दिखाऊंगा कि एनआरआई की सीटें किस में कितनी कितनी है, लेकिन आदेश ने 1,25,000 डॉलर बोली है, राइट। तो ये फर्क हो गया। अब ये एक और प्राइवेट कॉलेज है जो अमृतसर में है, श्री गुरु रामदास, और उसकी फीस भी देखिए ज्यादा ही है। इसमें कोई वो क्या कहते हैं ना, गवर्नमेंट कोटा नहीं था। तो ये फीस वही ले रहे हैं, देखिए 9,92,000 स्टार्ट होके, जो इनकी पंजाब की मैनेजमेंट कोटा की फीस है। तो श्री गुरु रामदास में भी अमृतसर में भी सस्ती फीस लागू नहीं होती है। तो दैट मीन्स डीएमसी लुधियाना, पीएमसी जलंधर, उसमें होता है, सीएमसी हम सभी जानते हैं, उसकी फीस 6,60,000 रुपये पर एनम है। और इसमें कुछ सीटें हैं जो पंजाब डोमिसाइल के लिए हैं, कुछ सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए भी हैं, राइट, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो चाहिए। तो ये बड़ा वो है कि है, इसमें कहने को आपको दिखती है ऑल इंडिया सीट, बट इसकी जो काउंसलिंग होती है वो पंजाब काउंसलिंग के थ्रू होती है। वो जो ऑल इंडिया सीट्स हैं, सीएमसी वाले आपसे मतलब पंजाब फरीदकोट जब लॉन्च होगा आपसे एक एफिडेविट भरवाएगा कि आप इसके अलावा किसी और काउंसलिंग में, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। लेकिन सीएमसी की सिर्फ 5 सीटों के लिए अगर आप यूपी के हैं या हरियाणा के हैं, तो ये थोड़ी ना कि आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो बड़ी ये कन्फ्यूजन रहती है। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे जो हमारे पेड क्लाइंट होंगे। बट सीएमसी इज ए टॉप क्लास कॉलेज, जैसे कि हम जानते हैं कट ऑफ भी काफी हाई जाती है, और ये लोग 6,60,000 रुपये फीस लेते हैं। कुछ सीटें मैंने कहा जैसे ये ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, और कुछ सीटें होती हैं जो पंजाब के डोमिसाइल को ही मिलती हैं, बट ऑल इंडिया की सीट भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होती है, राइट। फिर ये डिटेल्स हैं कि विद इन रिजर्वेशन, जैसे कि हम जानते हैं पंजाब थोड़ा दलित ज़्यादा है पंजाब में, इसलिए शेड्यूल कास्ट को 25% सीटें दी गई हैं, और इस तरह से टोटल रिजर्वेशन दी गई है। उसके बाद पंजाब में हमेशा देखिए ये भी होता है, टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन, सिख राइट में अफेक्टेड पर्सन की यहाँ पर रिजर्वेशन हमेशा पंजाब में है। तो आप में से कोई भी अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हमसे संपर्क कीजिए, या ढंग से काउंसलिंग कीजिएगा। देखिए सीट बढ़ गई है, तो अब 250 सीटें हैं अमृतसर में, 225 हैं पटियाला में, 125 हैं फरीदकोट में, और ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें तो हैं ही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने बात कर लिया 50% गवर्नमेंट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट फीस वाले, पर देखिए भाई ना श्री गुरु रामदास में लागू है ना देश में लागू है, बाकी जो बच गए उसी में है, बिजली विद डीएमसी लुधियाना जलंधर के जो कॉलेज है। अब देखिए एनआरआई सीट के बारे में कैटेगरी में बताया गया है, और पंजाब में यही फायदा है कि देखिए फरीदकोट में 15% सीटें, और 13 सीटें पटियाला और अमृतसर में रिजर्व हैं एनआरआई के लिए। तो काफी, तो देखिए लोग मुझसे पूछते हैं कि हम यह क्यों लें, तो देखिए ये वो रहता है कि कभी कभार ना आपके मार्क्स थोड़े कम है लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो फीस तो आपको पूरी वही देनी है 1,10,000 डॉलर। तो अगर आपको जेनुअनली गवर्नमेंट में आ रहा है तो आप नहीं लेंगे। तो अक्सर लोगों का मुझसे सवाल रहता है कि सर मैं ये एनआरआई सीट क्यों लूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो देखिए समटाइम ना इट्स चार सच्चाई की बात, ये कभी कभार क्या होता है कि आपका बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर या पटियाला में पढ़ रहा है, तो जो बाकी बच्चे हैं वो तो टॉपर्स हैं ना, 600 मार्क्स वाले, तो जैसे बोलते हैं ना कि सही कंपनी में बैठोगे तो आप भी सही हो जाओगे, तो शायद आपके बच्चे के अभी 300 नंबर आए थे, वो पढ़ाई में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन 4.5 साल इन 650 नंबर के बच्चों के साथ बैठ के वो भी मेहनत और करने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा पर्पज होता है कि आप सरकारी सीट क्यों लेते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू पूरी फीस देकर, कि अगर आप वो राइट कंपनी चाहते हैं। और समटाइम ये भी होता है, देखिए लोग रिश्तेदारों को बताते नहीं है, तो रिश्तेदारों को तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के भी 650 नंबर आए थे, इसलिए उसको अपने आप मेरिट से पटियाला
पटियाला या अमृतसर या फरीदकोट मिल गए, जबकि सच्चाई जो होती है कि उन्होंने एनआरआई सीट का रूट लिया होता है। तो ये दो वजह होती है कि लोग एनआरआई सीट क्यों लेते हैं, ठीक है। और अभी एनआरआई की डेफिनेशन है, पर इसमें यही बोला गया कि देखिए सिर्फ टू कैटेगरी को कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट लुकिंग फॉर कैटेगरी थ्री। तो अगर आप खुद एनआरआई नहीं है, मतलब कि भाई मामा चाचा बुआ की एनआरआई स्टेटस नहीं चलेगा, तो एनआरआई स्पॉन्सर नहीं चलेगा, बच्चे या बच्चे के पेरेंट खुद एनआरआई होने चाहिए पंजाब की एनआरआई की एलिजिबिलिटी के लिए। ओके, पहले ये हमेशा एनआरआई की काउंसलिंग करते हैं ताकि फिर जो सीटें बच जाती हैं वो जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। देखिए बार बार आते हैं, मतलब एफिडेविट मांगते हैं वो, क्या आप सिर्फ एक स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, विच इज पंजाब, अदर देन ऑल इंडिया कोटा सीट्स, राइट। ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर एडमिशन ले लिया था, आप छोड़ के आना चाहते हो, आप उस कॉलेज से एनओसी ले आइए, हमें आपको एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये बाकी कुछ खास नहीं है, तो पूरी फीस लेने वाले हैं, कोई एनएमसी के रूल का चक्कर नहीं है पंजाब में। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो एलिजिबिलिटी थी, ये है लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस, इस साल का भी लॉन्च होना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें जो सबसे गुरु बात है, ये देखिए, ये जब फॉर्म खुलते हैं ना, तो मैं कहता था ये एफिडेविट होता है, देखिए वो एफिडेविट यही होता है कि हम किसी और जगह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए लास्ट ईयर की जो फीस थी थोड़ी सी बढ़ा दी है ना, 368 थी लास्ट ईयर, इस साल लेकिन ये पहले इन्होंने 392 बोल दी है, राइट। तो थोड़ी सी फीस बढ़ा दी है जो कि हर जगह ही बढ़ती है, ये देखिए ना। श्री गुरु रामदास तो खैर था ही, 386 कर दिए ना, जबकि लास्ट ईयर ये फीस 368 थी, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मैं दिखाता हूँ आपको, और ये शुरू, ये तो सेम ही गुरु रामदास की जो है ना जमा ज्यादा थी, बाकी उसी ब्रोशर में से लिया गया है, ये फुल प्रोस्पेक्टस है, ये भी लॉन्च करेंगे 2022 के सेशन के लिए। सेम एनआरआई सीटें हैं, चिल्ड्रन बहुत क्लियर है कि एनआरआई कहते भी किसको है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वही जो डोमिसाइल पंजाब है ना, कि बोनाफाइड डोमिसाइल किसको बोलते हैं, तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी बताए थे। देखिए ये रहता है, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन पंजाब और हैव स्टडीड इन पंजाब फॉर 2 years जस्ट प्रीसीडिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम, विच मीन्स अगर आप 11th 12th पंजाब के स्कूल से करते हैं, अगर आप पंजाब के बाहर के बच्चे थे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है, या आपने कोई भी 5 साल पंजाब में पढ़े हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा था कि अगर आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, देखिए पर्सन हु हैव हेल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पंजाब फॉर पीरियड ऑफ 5 years, द प्रॉपर्टी शुड बी द नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन कैंडिडेट। तो ये सारे रूल है डोमिसाइल के, अदर देन दी हार्ड कोर पंजाब डोमिसाइल, बाकी तो देखिए एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, पर ये रूल जो था 5 साल और 2 साल पढ़ने का और ये प्रॉपर्टी खरीदने का, ये बड़ा फायदेमंद रूल होता है। मेरे पास फोन भी आते हैं जो लोग अभी 10th पास कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक्चुअली पंजाब का स्टिल बेटर है नॉर्थ में, ऑफकोर्स हिमाचल से अच्छा कुछ नहीं है, बट हिमाचल में तो मिलता नहीं आसानी से डोमिसाइल, और हरियाणा दिल्ली के मुकाबले और राजस्थान तीनों ही बड़े कॉम्पिटेटिव स्टेट्स हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, तो पंजाब का डोमिसाइल ले लो तो फायदा भी है, राइट। तो ये आपको वो मिल जाता है, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, यही काम का था लास्ट ईयर का, ठीक है, बाकी तो चलता रहेगा ये, बाकी भी जब खुलेगा प्रोस्पेक्टस तो ऐसे ऐसे खूब सारे आएंगे, तो जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम उन्हें पहले से भेज देते हैं कि आप किस किस कैटेगरी में आप वो सीट मिल सकती है, राइट। तो एक बार जब इस साल का प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना चैनल पे आप जाएंगे तो आपको लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस का वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो ये है इस नोटिस का मतलब, तो क्लियर हो गया कि एनएमसी का रूल फिलहाल लागू होता नहीं दिखता। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बार बार कह रहा था कि ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो खाली मीडिया में कहने के लिए, ताकि हवा बनी रहे, सरकार कुछ कर रही है। जिस तरह यूक्रेन के बच्चे इंडिया आए तो तब तो स्टेटमेंट दे दी गई कि इंडिया में इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, और अब हालत कुछ और ही है, क्योंकि जो सच्चाई है, इंडिया के बच्चों को सीट नहीं मिल रही है तो यूक्रेन के बच्चों को कहाँ से मिल जाएगी। तो ये सब बातें हैं, अभी तो टाइम लगेगा, बस पहली नोटिस आ गया है। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप जानते हैं अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, 9643
623-20 पे कॉल कीजिए, आपकी बात हमारे टीम मेंबर से होगी। मुझसे बात करने के लिए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए वी चार्ज अ वेरी नॉमिनल 5,000 रुपीज फॉर अ 30 मिनट डिस्कशन, जिसमें हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और मोटा मोटी आपके मार्क्स को देख के मैं बता देता हूँ कि आपका एडमिशन कहाँ कहाँ संभव है। ये उतना पक्का हो जाएगा, एक है कोशिश कर सकते हैं, और फिर जिस तरह से आप काम कराना चाहते हैं वैसे पैकेज फाइनल होता है। हमारा कोई स्टैंडर्ड पैकेज नहीं है। अगर 650 नंबर वाला बच्चा गवर्नमेंट सीट जिसको पक्का मिल रही है उसके से हम सिर्फ 20,000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं खुशी से, और जिसके जिसको बहुत काम कराना होता है वो कॉल में वही चीज़ डिस्कस होती है, और फिर आप हमसे पूरा काम कराते हैं तो 5,000 रुपीज़ भी उस पैकेज में एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, सीजन स्टार्ट हो गया है और आप अपने भगवान करे आपको ड्रीम MBBS कॉलेज मिले, सीट मिले इंडिया में। तो कीप इन टच, कीप वॉचिंग दिस चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।